हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नूर आलम खान, मैं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो है 10 डेंजर साइंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि एक नवजात शिशु में क्या क्या साइन या लक्षण हो सकते हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं अगर आपने उसे इग्नोर किया, क्योंकि ये साइंस किसी न किसी गंभीर बीमारी की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है, या आप अभी अभी पेरेंट बने हैं, या आपके आसपास में आपके किसी रिलेटिव के पास अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि ये मामला आपके बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट ब्रीदिंग या सांसों का तेज गति से चलना। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की सांस भी तेज चल रही है और साथ में पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं। एक न्यूबॉर्न बच्चा जो कि अभी एक महीने से कम है, उसकी सांस लेने की स्पीड अगर 60 से कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 60 के ऊपर है और साथ में अगर पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, जैसे कि हम चेस्ट रिट्रैक्शन कहते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके बेबी को कोई लंग की या कार्डियक डिजीज़ या दिल की बीमारी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, या बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है साइनोसिस, यानी कि हाथ और पैरों का या बॉडी का नीला होना। अगर किसी न्यूबॉर्न बच्चे को ठंड भी लगती है तो भी उसके हाथ पर नीले हो सकते हैं, या अगर बेबी का ब्लड गाढ़ा है तो भी उसके हाथ पर नीले हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। हाथ पैर का नीला होना एक्रोसाइनोसिस कहलाता है, जो कि बच्चे के पैदा होने के कुछ घंटों बाद तक भी रह सकता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है, ये 2 या 3 दिन हो गए फिर भी उसके हाथ पैर नीले हैं, या बच्चा घर आ गया डिस्चार्ज हो गया उसके बाद किसी टाइम उसके हाथ और पैर नीले होते हैं, या आपके बच्चे को होंठ के अंदर जो मुंह के अंदर की जो पिंक कलर की जो एक लेयर होती है उसमें अगर आपको नीलापन दिख रहा है, तो ये किसी बहुत गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, तुरंत अपने बच्चे को किसी पीडियाट्रिशियन को जाके दिखाना है। तो तीसरे नंबर के पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, वो है वॉमिटिंग और डायरिया या उल्टी और पानी जैसे दस्त। तो दो चीज़ आपको समझनी है, एक होती है रिगर्जिटेशन यानी कि दूध का गिराना, और दूसरा होता है वॉमिटिंग यानी कि पलटी या उल्टी करना। तो रिगर्जिटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा बहुत दूध गिराता है, क्योंकि बच्चा दूध जो पीता है तो अपनी स्टमक की कैपेसिटी से ज़्यादा दूध पी लेता है कभी कभी, और जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो बच्चा गिरा देता है। एक न्यूबॉर्न बेबी जितना दूध पीता है उसका 25% तक वो गिरा सकता है, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा दूध गिरा रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, और अगर बच्चा उपकाई के साथ दूध को गिरा रहा है तो ये वॉमिटिंग है और ये एबनॉर्मल है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये वॉमिटिंग है या रिगर्जिटेशन है? आपको देखना ये है कि बच्चा अगर दूध गिरा रहा है तो ये उपकाई के साथ आ रहा है या बिना उपकाई के गिरा रहा है। वॉमिटिंग की तरह ही पानी के जैसे दस्तों का आना ये बच्चे की हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है और बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन में लेके आ सकता है। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी दिन में 4-5 बार भी पॉटी कर सकता है और 4-5 दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है, और दोनों बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर दिन में 7-8 बार से ज़्यादा बच्चा स्टूल पास कर रहा है, या उसका टेक्स्चर पानी की तरह बिल्कुल पतला है, तो आपके बच्चे को हो सकता है कि बैक्टीरिया या वायरल डायरिया हो गया हो, या हो सकता है उसको लैक्टोज इंट्रोलेंस यानी कि दूध का ना पचना, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे के ब्लड में सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो। अब चौथे पॉइंट पे जो हम बात करते हैं वो है बच्चे का यूरिन या मीकोनियम ना पास करना। मीकोनियम कहते हैं जो सबसे पहला जो काले रंग का जो बच्चा पॉटी करता है या स्टूल पास करता है उसे मीकोनियम कहते हैं। जनरली 4 to 6 आवर में बच्चा पास कर लेता है, कुछ बच्चे तो बर्थ के साथ ही पास कर लेते हैं। लेकिन अगर 24 आवर पास हो चुके हैं, 24 आवर होने के बाद भी आपके बच्चे ने
वो काले रंग की बिकोइम वो अभी तक नहीं पास किया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि उसकी आंतों में या उसके जो एनल ओपनिंग है वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या किसी तरह की बनावटी डिफेक्ट हो। इसी तरह से यूरिन का भी आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा नॉर्मल अगर है तो वो 24 आवर के अंदर अंदर यूरिन पास कर लेता है, फिर भी 24 आवर के बाद ही वेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे देर में यूरिन पास करते हैं, लेकिन अगर ये 48 आवर का टाइम पीरियड होने के बाद भी बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया है तो हो सकता है कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, एनोरेक्टल मॉलफॉर्मेशन हो। आपको अपने बच्चे को तुरंत किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है पुअर मसल टोन। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं। अगर बच्चा सो भी रहा है फिर भी अपने हाथ पैर वो थोड़ा सा मोड़ के रखता है, और अगर आपने उसको खोलने की कोशिश की तो जैसे ही आप खोलेंगे और आप छोड़ते वो फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। ये एक नॉर्मल न्यूबॉर्न की पहचान है। अगर बच्चा बीमार होता है या किसी तरह की उसको प्रॉब्लम है, किसी तरह की इलनेस है, तो बच्चा अपने टोन को कम करता है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर खुल जाते हैं और अगर आप उठाएंगे, उठा के छोड़ेंगे तो वो सीधा नीचे गिर जाएगा। इसे हम पुअर मसल टोन कहते हैं। पुअर मसल टोन हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया में, यानी कि शुगर का कम होना, या सेप्सिस में हो सकती है, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है। इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है दोस्तों, वो हर किसी पेरेंट ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, और वो है अनकंसोलेबल क्राई। क्राई दो तरह के होते हैं, एक है कंसोलेबल और एक है अनकंसोलेबल। कंसोलेबल क्राई में आप बीबी को पीट कराते हैं या बीबी को टहलाते हैं या उसे थोड़ा सा पुचकारते हैं तो बीबी आपका चुप हो जाता है। अनकंसोलेबल क्राई में बेबी आपका किसी भी कंडीशन में चुप नहीं होगा, ना ही वो फीड लेगा। तो बेबी अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो पहले उसे फीड करा के देखिए। फीड कराने के बाद भी नहीं चुप हो रहा है या फीड नहीं ले रहा है तो फिर बच्चों को आपको एक बार एक्सपोज करना है। एक्सपोज करके पूरी तरह से उसको चेक करिए कि कहीं किसी तरह का कोई रैशेस ना हो। बच्चे की यूरिन और पार्टी की जगह को एक बार देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई रैशेस हो। अगर कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि इंटरनली कोई पेन हो, बच्चे को यूरिन कोलिक हो या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर फीड इनटेक, यानी कि दूध का ठीक से ना लेना। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी 2 से 3 घंटे में रो के बता देता है कि उसे फीड चाहिए या उसे भूख लगी है, लेकिन अगर बच्चा आपका 4 से 5 घंटे हो गए उसके बाद भी फीड नहीं मांग रहा है, ऐसे केस में आपको बच्चे को उठा कर फीड करा के देखना है। अगर बच्चे ने फीड ले लिया तब तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को आपने फीड कराया, फीड कराने के बाद अटैचमेंट के बाद बच्चे ने निप्पल प्रॉपर नहीं पकड़े या निप्पल को पकड़ने के बाद प्रॉपर सकिंग नहीं की या बच्चे ने सकिंग की और छोड़ दी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सिक हो चुका है और अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। अगर प्रीटर्म बच्चा है जो कि 7 महीने या 8 महीने पर डिलीवर कर गया है, तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि वो प्रॉपर फीडिंग ना कर पाएँ, क्योंकि उनका जो अभी फीडिंग मैकेनिज्म है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से फीडिंग कर सकें। लेकिन एक टर्म बच्चा अगर है जो 9 मंथ पूरे कर चुका है, अगर वो फीड नहीं ले रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगला पॉइंट है सीजर्स या दौरे। न्यूबॉर्न बेबी के दौरे एडल्ट के दौरे की तरह बहुत ज़्यादा तेज झटकों के साथ पैसे नहीं होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में दौरों का आना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितने बार भी दौरे आते हैं, दौरे बच्चे के ब्रेन टिश्यू को परमानेंटली डैमेज करते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हर बार दौरे आने पर डैमेज हो जाती हैं, इसलिए दौरों को ध्यान से देखना है। अगर बच्चे को दौरा आएगा तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी, मुंह से सलाइवा निकल रहा होगा और जो कि झाग के फॉर्म में आएगा, और हाथ पैरों में एक रिदमिक टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दौरा हो रहा है तो हो सकता है उसको दिमागी बुखार हो, दिमाग का प्रेशर बढ़ा हुआ हो या बच्चे के ब्लड में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो चुका हो। अगला पॉइंट है बच्चे के हाथ या पैर का पीला होना, जिसे हम न्यूनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। थोड़ा बहुत पीलापन हर बच्चे में होता है बर्थ के बाद, बट अगर 24 आवर से पहले अगर किसी बच्चे में पीलापन दिखता है तो हो सकता है उसके ब्लड में कोई ऐसी डिजीज़ हो जिससे कि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। हो सकता है कि मदर और बेबी के ब्लड ग्रुप में मिसमैच हो, या हो सकता है बेबी के अपने ब्लड के अंदर कोई ऐसे एंटीबॉडीज़
हो जो कि उसके ब्लड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपको 24 आवर से पहले अगर पीलापन दिखता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। या बच्चा आपका डिस्चार्ज होकर घर आ गया, उसके बाद बच्चे के हाथ और पैरों में पीलापन दिख रहा है, थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखेगा, बच्चे की आंख से स्टार्ट होता है, फेस से, फिर ट्रंक से, फिर होते होते बच्चे के पाम एंड सोल में पीलापन आता है। बच्चे के पाम एंड सोल में अगर पीलापन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के ब्लड में पीले रंग का जो पिगमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बच्चे को हो सकता है ऐसे केस में फोटोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़े। जो आज का सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है लेथार्जी या बच्चे का सुस्त होना। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न को जब भी आप स्टिमुलेट करेंगे तो किसी ना किसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा। बच्चा अगर रो रहा है तो आपने स्टिमुलेट किया तो चुप हो जाएगा, अगर बच्चा चुप है आपने स्टिमुलेट किया तो रोने लगेगा, या हो सकता है हाथ पैर के मूवमेंट को बढ़ाए। लेकिन अगर जब बच्चा सिक होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है या किसी तरह का उसको इन्फेक्शन हुआ होता है, तो ऐसे केस में बच्चा स्टिमुलेट करने पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता है। आप बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्राई ही नहीं करेगा, या अगर आप बहुत ज़्यादा तेज स्टिमुलेट करेंगे तो हो सकता है एक पुअर सी या एक श्रील सी क्राई बच्चा आपको शो करे, या ये हो सकता है कि बच्चा बहुत लंबे टाइम तक सो रहा है, बच्चा उठाने पर, जगाने पर, स्टिमुलेट करने पर उठ ही नहीं रहा है। इसे है हम लिथार्जी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपका बेबी बहुत लंबे टाइम तक सो रहा है या बहुत देर से रोया नहीं है, तो आप इत्मीनान में ना रहें कि बच्चा तो सो रहा है। आपको बच्चे को दो दो घंटे पे, तीन तीन घंटे पे बच्चे को स्टिमुलेट करके, उठा के, जगा के उसको दूध पिलाना है और उसे चेक करते रहना है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा लिथार्जिक हो गया है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें दिए हुए पॉइंट्स अगर आपको काम के लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए। जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबी हैं या नवजात शिशु हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। और जो भी आपके डाउट हैं या जिन टॉपिक पे आप आगे आने वाले टाइम में वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आगे आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।